Hey everyone, तो कैसे हैं आप? So, welcome to Educational Hack. This is Prem Pandey, और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 की इंग्लिश की सप्लीमेंट्री बुक का चैप्टर नंबर 3, द सेल्फिश जायंट, एक स्वार्थी राक्षस. इस चैप्टर को लिखा है ऑस्कर विल्डे ने, और इस चैप्टर में बहुत पुरानी यादें ताजा होने वाली हैं. चैप्टर को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस सप्लीमेंट्री बुक से हमने ऑलरेडी 2 चैप्टर्स अपलोड कर रखे हैं. अगर आपने उन दोनों चैप्टर्स को अभी तक नहीं देखा है यार, तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, या नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी उन वीडियोस की. क्लिक करिए और वीडियोस को देखिए. मैं आपको बता दूं कि हमने ऑलरेडी क्लास 8 की साइंस और क्लास 8 की इंग्लिश का एक सेपरेट प्लेलिस्ट अपने चैनल पे बना के रखा है. आप ऊपर आई बटन पे लिंक पे क्लिक करिए, उन प्लेलिस्ट पर जाइए और चैप्टर वाइज वीडियोस को देखिए. अगर आप नए हो हमारे चैनल पे यार, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड बेल आइकन को भी प्रेस करिए, ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले. तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 का लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन. जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसमें फर्स्ट पार्ट लिखा है, दैट मीन्स कि ये पूरा चैप्टर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. इसलिए हमने भी इस पूरे चैप्टर को 2 वीडियोस में कवर किया है. आज हम पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं. अब इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर कुछ ओवरव्यू दिया गया है, इसे पहले पढ़ लो ताकि हमें एक आइडिया मिल जाए कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं. द जायंट्स गार्डन वॉज ब्यूटिफुल एंड चिल्ड्रन लव टू प्ले इन इट. इस चैप्टर में एक राक्षस है और उसका एक बहुत प्यारा सा बगीचा है. उस बगीचे में बच्चे खेलना काफी पसंद करते हैं. द जायंट वॉज सेल्फिश, लेकिन जो वो राक्षस है वो काफी स्वार्थी था, इसलिए उसने अपने बगीचे के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें घिरवा ली. Children did not enter the garden thereafter. उस दिन के बाद बच्चे उस गार्डन में तो नहीं जा पाए, और ना ही उस गार्डन में वसंत ऋतु का मौसम आया और ना ही गर्मियों का मौसम आया. That means कि उस बगीचे का मौसम चेंज ही नहीं हुआ, और तब तक उस बगीचे का मौसम नहीं बदला जब तक उस राक्षस का हृदय जो है पिघल नहीं गया, और उस राक्षस ने दोबारा बच्चों को अपने गार्डन में आने की परमिशन जब तक नहीं दी, तब तक उसके गार्डन में ठंडियां ही रही. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को. एवरी आफ्टरनून एज दे वर कमिंग फ्रॉम स्कूल, द चिल्ड्रन यूज्ड टू गो एंड प्ले इन द जायंट्स गार्डन. हर दोपहर जब बच्चे स्कूल से लौट कर आया करते थे, तो वो उस राक्षस के बगीचे में जाते थे और वहां पर खेला करते थे. इट वॉज अ लार्ज लवली गार्डन विद सॉफ्ट ग्रीन ग्रास. ये बगीचा काफी बड़ा था और काफी लवली था, काफी प्यारा था. इस बगीचे में बहुत मुलायम हरी घास लगी हुई थी. हियर एंड देयर ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटिफुल फ्लावर्स लाइक स्टार्स. यहाँ वहां उन हरी घासों के ऊपर बहुत ही प्यारे प्यारे फूल लगे हुए थे, और फूल ऐसा लग रहा था उन्हें देखकर जैसे आसमान में तारे लगे हुए हों. एंड देयर वर 12 पीच ट्रीज दैट इन द स्प्रिंग टाइम ब्रोक आउट इन डेलिकेट ब्लॉसम्स ऑफ पिंक एंड पर्ल. उस बगीचे में 12 पीच के पेड़ थे, 12 आड़ू के पेड़ थे. आड़ू कुछ ऐसा फल होता है, इनके पेड़ 12 थे उस बगीचे में, और ये पेड़ जो है वो वसंत ऋतु में बहुत ही मुलायम बहुत ही प्यारा सा पिंक कलर का फूल देते थे. जो वो फूल था वो पिंक और पर्ल कलर का था. पर्ल का मतलब होता है मोतियों जैसा, बिल्कुल ऐसे कलर का वो फूल होता था, समझिए. एंड इन द ऑटम बोर रिच फ्रूट, और ये पीच के जो पेड़ थे, ये जो आड़ू के पेड़ थे, ये वसंत ऋतु में तो फूल दिया करते थे, लेकिन पतझड़ के मौसम में ये फल दिया करते थे. द बर्ड्स सैट ऑन द ट्रीज एंड सैंग सो स्वीटली. जो पक्षियां थी उस बगीचे में वो पेड़ों पर बैठ जाया करती थी और इतना प्यारा गाया करती थी, दैट द चिल्ड्रन यूज्ड टू स्टॉप देयर गेम्स. कि बच्चों को अपना खेल रोकना पड़ता था उन पक्षियों के गाने सुनने के लिए. हाउ हैप्पी वी आर हियर, दे क्राइड टू ईच अदर. और वो बच्चे उन पक्षियों का गाना सुनते थे, उस बगीचे में खेलते थे, और एक दूसरे से चिल्लाकर कहते थे कि हाउ हैप्पी वी आर हियर, हम इस बगीचे में कितना खुश हैं. वन डे द जायंट केम बैक. He had been to visit his friend, the cornice ogre. एक दिन वो राक्षस वापस आ गया. वो राक्षस कहाँ गया हुआ था? वो राक्षस अपने दोस्त के यहाँ पर घूमने गया था, और उसका दोस्त कौन था? कॉर्निस ऑगरी. इस वर्ड का मतलब क्या है? जैसे इंडिया में रहने वाले लोगों को हम इंडियन कहते हैं, वैसे ही कॉर्नवॉल एक जगह है इंग्लैंड में,
वहां पे रहने वालों को हम कॉर्निस कहते हैं। तो कॉर्निस ऑग्री था वो। ऑग्री का मतलब होता है ऐसा राक्षस जो इंसानों को खाए, नरभक्षी राक्षस। तो ये जो राक्षस था ये अपने एक नरभक्षी राक्षस के यहाँ पर घूमने गया था एंड हैड स्टेड विथ हिम फॉर 7 ईयर्स। और अपने दोस्त के साथ ये राक्षस जिसका बगीचा था वो 7 सालों तक अपने दोस्त के घर पर ही रहा। वेन ही अराइव ही सॉ द चिल्ड्रेन प्लेइंग इन द गार्डन। जब वो अपने घर वापस आता है तो वो देखता है उसके प्यारे उसके बड़े से बगीचे में बच्चे खेल रहे थे। व्हाट आर यू डूइंग हियर ही क्राइड इन अ वेरी ग्रफ वॉइस। वो राक्षस जैसे ही बच्चों को देखता है वो गुस्सा हो जाता है और गुस्से से कहता है व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बहुत ग्रफ वॉइस में बहुत गुर्राती हुई आवाज में कहता है तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो। बच्चे जैसे ही उस राक्षस की आवाज सुनते हैं चिल्ड्रेन रैन अवे, बच्चे वहां से दौड़ के भाग जाते हैं। अब आगे पढ़ते हैं इस चैप्टर के। माई ओन गार्डन इज माई ओन गार्डन सेड द जायंट। जैसे ही राक्षस अपने बगीचे में जाता है और बच्चे वहां से भागने लगते हैं, जैसे देख रहे हो ये फिगर आप, जैसे ही राक्षस इस बगीचे में पहुंचा बच्चे भागने लगे। राक्षस बगीचे में पहुंचकर कह रहा है कि माई ओन गार्डन इज माई ओन गार्डन, मेरा बगीचा केवल मेरा बगीचा है। Anyone can understand that, और सभी को ये बात समझ में आनी चाहिए। And I will allow nobody to play in it, और मैं किसी को इस बगीचे में खेलने नहीं दूंगा, but myself, इस बगीचे में केवल मैं खेलूंगा क्योंकि ये केवल मेरा बगीचा है। So he built a high wall all around it, और इसलिए इस राक्षस ने अपने बगीचे के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें घिरवा दी and put up a notice board, और अपने गार्डन के बाहर एक नोटिस बोर्ड लगवा दिया और उस नोटिस बोर्ड में लिखा था कि ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, मतलब चोरी से घुसने वाले लोगों को दंड दिया जाएगा। ट्रेसपासर्स का मतलब क्या होता है, घुसपैठिए, जो चोरी से कहीं पे घुस जाते हैं। तो राक्षस ने लिखवाया कि बाहरी लोगों का आना यहाँ पर मना है, मतलब कि अगर चोरी से कोई आता है तो उसे दंड मिलेगा। ही वॉज अ वेरी सेल्फिश जायंट, ये राक्षस काफी स्वार्थी राक्षस था। द पुअर चिल्ड्रेन हैड नाउ नो वेयर टू प्ले, अब उन बेचारे बच्चों के पास कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां पर वो खेल सकें। They tried to play on the road, but the road was very dusty. वे लोग सड़क पर खेलने की कोशिश करते थे, लेकिन सड़क काफी गंदा था, सड़क पर काफी धूल पड़ी हुई थी, and full of hard stones. और सड़क पर काफी नुकीले और ठोस पत्थर भी थे, and they did not like it. जो बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं थे, इसलिए वे लोग रोड पर नहीं खेल पाते थे। They used to wander around the high walls when their lessons were over. और अब उस दिन के बाद जब भी बच्चे अपने स्कूल से लेशन खत्म करके आते थे, पाठ पढ़कर आते थे, तो वो बगीचे के अंदर तो जा नहीं पाते थे, इसलिए वे बगीचे के चारों ओर जो ऊंची ऊंची दीवार लगी थी उसके चारों तरफ वांडर करते थे, घूमते थे, एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन, और उस प्यारे से बगीचे के बारे में बात करते थे कि हाउ हैप्पी वी वर देयर, कि उस बगीचे के अंदर हम कितना खुश थे। Then the spring came and all over the country there were little blossoms and little birds. जैसे जैसे समय बीतता गया, ठंडियों का मौसम बीत गया और वसंत ऋतु आ गई, स्प्रिंग का मौसम आ गया, and all over the country there were little blossoms. पूरे देश में जितने बगीचे थे हर बगीचे में छोटे छोटे ब्लॉसम्स छोटे छोटे फूल खिल गए, एंड लिटिल बर्ड्स और छोटी छोटी पक्षियां चहचहाने लगी। वल्ले इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जायंट इट वॉज स्टिल विंटर, लेकिन केवल उस स्वार्थी राक्षस के बगीचे में अब भी विंटर का सीजन था, अब भी ठंडियों का मौसम था, उस बगीचे में मौसम नहीं बदला। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट As there were no children, पक्षियां भी इस बगीचे में अब गाना नहीं गाती थी क्योंकि इस बगीचे में अब बच्चे नहीं खेलते थे, and the trees forgot to blossom, और उन बगीचों के पेड़ों को देखकर ऐसा लगता था कि वो पेड़ फूल देना ही भूल गए हैं। Once a beautiful flower puts its head आउट फ्रॉम द ग्रास, एक बार क्या हुआ कि जमीन में से एक प्यारा सा फूल निकला, बट वेन इट सॉ द नोटिस बोर्ड, लेकिन जैसे ही उस फूल ने उस बगीचे में लगे नोटिस बोर्ड को देखा, उस बगीचे में लिखा था कि बाहरी लोगों का अंदर आना मना है, जैसे ही फूल ने ये देखा इट वॉज सो सॉरी फॉर द चिल्ड्रेन, फूल को इतना दुख हुआ बच्चों के लिए कि इट स्लिप्ड बैक इन टू द गार्डन अगेन, वो वापस जहां से खिला था वापस वहीं जाकर धस गया, वहीं वापस ग्राउंड में वो जाकर अपने सर को झुका लिया एंड वेंट ऑफ टू स्लिप, और सोने चला गया। अब भाई
आप सोचोगे कि फूल ये सारी चीजें कैसे कर सकता है, तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में फ्लावर को पर्सोनिफाई किया गया है। पर्सोनिफाई का मतलब क्या होता है, अगर किसी नॉन लिविंग थिंग को हम इंसानों की तरह बिहेव करवाएं, हम वहां पर पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। तो इस पूरी लाइन में यहाँ पर फूल को ना इंसान मान लिया गया है, तो यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, पर्सोनिफिकेशन ही है। लेकिन आप केवल इसकी एक्सप्लेनेशन इतना ही समझना कि एक बार उसके गार्डन में फूल खिला था, लेकिन फूल जैसे ही देखता है कि पूरे गार्डन में ना पक्षियां हैं ना बच्चे हैं, और बोर्ड भी लगा हुआ है, बोर्ड पे लिखा गया है कि बाहरी लोगों का आना मना है, वो फूल वापस मुरझा जाता है। ठीक है, द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वर द स्नो एंड द फ्रॉस्ट, केवल दो ही लोग इस बगीचे में खुश थे, एक तो बर्फ और दूसरा जो ओस की बूंदे थी। केवल यही दो लोग थे जो बगीचे में खुश थे। यहां पर देखो, स्नो एंड फ्रॉस्ट को पर्सोनिफाई किया गया है, ह्यूमंस की तरह एक्टिविटीज कराई गई हैं, जैसे स्नो एंड फ्रॉस्ट आपस में बातें करते हुए यहां पर दिखाए गए हैं। ठीक है, तो यहां पर बस इतना जान के चलना, इस पूरी लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, पर्सोनिफिकेशन है। अब आगे देखते हैं, बर्फ और ओस की बूंदे क्या बात करते हैं आपस में, वो कहते हैं कि स्प्रिंग हैज फॉरगॉटन दिस गार्डन, लगता है इस बगीचे में वसंत ऋतु आना ही भूल गई है। दे क्राइड स्नो मतलब बर्फ, और ओस की बूंदे आपस में चिल्ला चिल्ला कर बातें करती थी और कहती थी लगता है वसंत ऋतु इस गार्डन में आना ही भूल गई है, और इसीलिए वी विल लीव हियर ऑल द ईयर राउंड, और इसीलिए पूरे साल हम इसी बगीचे में रहेंगे। और वो दोनों काफी खुश थे। ठीक है, द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विथ हर ग्रेट व्हाइट क्लॉक, जो बर्फ था वो उस पूरे बगीचे को ऐसे ढक लेती थी जैसे बड़ा सा सफेद चादर बिछी हुई हो उस गार्डन में। एंड द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्री सिल्वर, और जो ओस की बूंदे थी वो पेड़ों को ऐसे ढक लेती थी जैसे लगता था पेड़ पूरे चांदी कलर के हो गए हो, चांदी रंग के हो गए हो। देन दे इनवाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद देम। अब इन पूरी लाइंस में ना सभी चीजों को पर्सोनिफाई किया गया है, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमंस मान लिया गया है। जैसे यहाँ पर विंड हवाओं को भी ह्यूमन मान लिया गया है, यहाँ पर स्नो बर्फ को भी ह्यूमंस माना गया है, फ्रॉस्ट ओस को भी ह्यूमंस की तरह एक्टिविटीज करते हुए दिखाई गई है। तो ये तीनों चीजें जो हैं, और हेल हेल का मतलब होता है ओले पड़ना, इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, इन चारों चीजों को यहां पर पर्सोनिफाई किया गया है, मानवीकरण किया गया है। और अब जब ये बर्फ और ये जो ओस की बूंदे हैं ये इस बगीचे में काफी खुश थी, तो उन्होंने अपने एक और दोस्त नॉर्दर्न विंड, जो उत्तर की तरफ से, उत्तर दिशा की तरफ से जो हवाएं चलती हैं वो काफी ठंडी हवाएं होती हैं, उनको भी उस बगीचे में रहने के लिए बुला लेते हैं वो लोग, और हवाएं उस बगीचे में आती हैं। ही वॉज रैप्ड इन फर्स, जो नॉर्दर्न विंड थी ऐसा लग रहा था कि वो हवाएं रोए से घिरी हुई हैं। रोआ रोआ मतलब क्या होता है, आप जानते हो जहां पर ठंडी हवाएं चलती हैं वहां पर लोग रोएदार स्वेटर पहनते हैं, ऐसे स्वेटर्स पहनते हैं जिसमें फर्स लगे हो, जिसमें रोए लगे हो। ठीक है, तो ये हवाएं भी उसी जगह से आई थी, तो ऐसा लग रहा था कि ये हवा जो है वो चारों तरफ से फर्स रोए से घिरी हुई है, ढकी हुई है। एंड ही रोअर्ड ऑल डे अबाउट द गार्डन, और वो ठंडी हवाएं पूरे दिन बगीचे में दहाड़ते हुए चलती थी, मतलब एकदम सरसराती हुई आवाज आती थी, और पूरे दिन वो ठंडी हवाएं उस बगीचे में बहती रहती थी। एंड द ब्लू द चिमनी पॉट्स डाउन, और वे हवाएं इतनी तेज बहती थी कि जो राक्षस का महल था उसमें चिमनी लगी हुई थी, उस चिमनी को भी उन हवाओं ने तोड़ दिया। दिस इज अ डिलाइटफुल स्पॉट ही सेड। फिर ये सब तहस नहस करने के बाद वो जो ठंडी हवा थी, जो नॉर्दर्न विंड थी ना, उसने कहा कि ये काफी मजेदार जगह है, इसलिए हमें इस बगीचे में हेल हेल का मतलब ओलों को भी बुला लेना चाहिए, ताकि इस बगीचे में ओले भी पड़ सके। सो द हेल केम, उसको बुलाया गया और हेल भी उस बगीचे में उनके साथ रहने आ गया। एवरी डे फॉर 3 आवर्स ही रैटल्ड ऑन द रूफ ऑफ द कैसल टिल ही ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट्स। अब जब हेल्स भी उन तीनों के साथ उस बगीचे में रहने आ गया, तो लगभग हर दिन 3 घंटे तक वो ओले उस महल के, उस राक्षस के महल के छत के ऊपर टप 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 करके बरसते थे, और तब तक बरसते थे जब तक उस महल के ऊपर जो खप्पर लगा था, जो स्लेट्स लगा था, जब तक वो स्लेट्स टूट नहीं जाते थे तब तक ओले उस महल पे पड़ते रहते थे। एंड देन ही रैन राउंड एंड राउंड द गार्डन
एज फास्ट एज ही कुड गो। और उसके बाद जब एक बार महल में ओले बरस जाया करते थे तो गार्डन में भी ओले बरसते थे और इतनी तेजी से बरसते थे जितनी तेज हुए बरस सकते थे। ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे, वो जो ओले थे वो ग्रे कलर के थे, एंड हिज ब्रेथ वॉज लाइक आइस, और उन हेल्स की पड़ने की वजह से, उन ओलों की पड़ने की वजह से बगीचे में काफी ठंड भी बढ़ गई थी। एंड हिज ब्रेथ वॉज लाइक आइस का मतलब उन ओलों के पड़ने की वजह से उस बगीचे में काफी ठंड बढ़ गई थी। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग। अब वो राक्षस अपने महल के अंदर बैठा बैठा ये कहता है कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे बगीचे में अब तक वसंत ऋतु आई क्यों नहीं। और वो ये लाइन तब बोलता है जब वो अपने महल के अंदर बैठ के विंडो से बाहर देख रहा है, लुक्ड आउट, और देख क्या रहा है वो, अपना बगीचा जो कि ठंडा पड़ा हुआ है, जो कि सफेद चादर से ढका हुआ है, जो सफेद बर्फ की चादर से ढका हुआ है। आई होप देयर विल बी अ चेंज इन द वेदर। अब वो राक्षस सोचता है अपने बगीचे को देखकर कि हो सकता है मेरे भी बगीचे का मौसम जो हो जल्द ही बदले। बट द स्प्रिंग नेवर केम नॉट द समर, लेकिन उसके बगीचे में ना तो वसंत ऋतु आई, ना तो वसंत ऋतु के बाद जो गर्मियों का मौसम होता है वो भी उसके बगीचे में नहीं आई। द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन, जैसे ही पतझड़ का मौसम आया बाकी बगीचों के हर पेड़ों में फूल फल लग गए, लेकिन उस राक्षस के बगीचे में एक भी फल नहीं लगे। अब उस ऑटम सीजन ने, उस पतझड़ के मौसम ने शायद ये सोचा होगा कि ही इज टू सेल्फिश, उसने सोचा होगा कि ये राक्षस काफी ज्यादा घमंडी है, काफी स्वार्थी है, इसलिए इसके बगीचे में मैं फल नहीं उगाऊंगी। यहाँ पर शी किसके लिए यूज हुआ है, यहाँ पर शी ऑटम सीजन के लिए यूज हुआ है, समझ गए। यहाँ पर ऑटम सीजन ऐसा सोचती है कि ये राक्षस स्वार्थी है, इसलिए इसके बगीचे में मैं फल नहीं दूंगी क्योंकि ये बच्चों को खेलने नहीं देता है। सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेल एंड द फ्रॉस्ट एंड द स्नो डांस्ड अबाउट थ्रू द ट्रीज, और इसीलिए पूरे साल उस बगीचे में ठंड का मौसम ही रहा और उत्तरी हवाएं चलती थी, ओले बरसते थे, ओस की बूंदे गिरती थी, बर्फ के गोले गिरते थे, ये चारों पांचों चीज जो थी वो उस बगीचे को ढक कर रखी थी, मतलब बगीचा काफी ठंडा पड़ चुका था। One morning the giant was lying awake in bed when he heard some lovely music. एक सुबह की बात है, वो राक्षस अपने बेड पर ऐसे ही लेटा हुआ था, वो जग रहा था, तभी उसने एक प्यारी सी, एक लवली सी म्यूजिक सुनी। It sounded so sweet to his ears. ये संगीत, ये म्यूजिक उसके कानों को इतनी प्यारी लगी कि उसने सोचा कि शायद इट बी द किंग्स म्यूजिशियन पासिंग बाई, कि शायद राजा का जो म्यूजिशियन है वो इस बगीचे के बगल से गुजर रहा है और शायद वही ये गाना गुनगुना रहा हो। लेकिन इट वॉज रियली वनली अ लिटिल लिनेट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो, लेकिन अगर सच बात बताऊं तो उस राक्षस के घर के बाहर जो बगीचा था उस बगीचे में एक छोटी सी लिनेट पक्षी, लिनेट पक्षी एक सिंगिंग बर्ड होती है, ब्राउन और रेड कलर में होती है, गौरैया, आपने स्पैरो देखा है ना, स्पैरो की साइज की होती है, तो एक छोटी सी लिनेट पक्षी उसके बगीचे में गा रही थी खिड़की के बाहर। बट इट वॉज सो लॉन्ग सिंस ही हैड हर्ड अ बर्ड सिंगिंग हिज गार्डन, लेकिन उसके खुद के बगीचे में उसे पक्षियों की आवाज सुने इतना अरसा, इतना दिन हो गया था कि उसे ये आवाज दुनिया की सबसे प्यारी आवाज लग रही थी। Then the hell stopped dancing over his head and the north wind ceased roaring. और तभी वो देखता है कि जो ओले उसके छत के ऊपर टप 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 करके अब तक बरसा करते थे, ओले बरसना बंद हो गए हैं, and the north wind ceased roaring, और उत्तरी हवाएं जो बहुत तेज से चलती थी अब वो सरसराहट की आवाज करना बंद कर दी हैं, वो हवाएं चलना बंद हो गई हैं, and a delicious perfume came to him through the open casement, और एक प्यारी सी, एक सुहावनी सी खुशबू उसके कमरे में विंडो से होकर आती है, और जैसे ही ये खुशबू उसके कमरे में पहुंचती है वो सोचता है कि आई बिलीव द स्प्रिंग हैज कम एट लास्ट, मुझे लगता है आखिरकार मेरे बगीचे में भी वसंत ऋतु
आ गई है, सेट द जाइंट, वो राक्षस ये कहता है, और ये कहते हुए वो तुरंत जंप करके बेड से उठ जाता है और बाहर अपने बगीचे की तरफ देखता है। यहीं पर हमारा ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट की वीडियो हम इस क्वेश्चन आंसर को पहले करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, उसके बाद सेकेंड पार्ट हम पढ़ेंगे। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा यार, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।